गलत कह रही हूँ क्या? गलत कह रही हूँ बिल्कुल रास्ते में कोई दिक्कत शिक्कत हो गई फिर क्या करेंगे? मत करो, हमसे मत पूछो, फिर करो तुम्हारी इच्छा जो है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग में बात करेंगे बेस्ट फोन फॉर व्लॉगिंग के बारे में। तो हाँ, आपको बताओ, रिसेंटली मैंने बाय किया था 15 प्रो, जो कि लेटेस्ट फ़ोन है। और अगर आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया या फिर आप करने वाले हो, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा फ़ोन बेस्ट रहता है व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि आजकल सभी व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, सभी का मन करता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, व्लॉगिंग ही नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाने का भी। क्योंकि मैं आईफोन 11 से यूज़ कर रहा हूँ, 11 भी यूज़ किया, 12 भी यूज़ किया, 13 भी यूज़ किया, 14 भी यूज़ किया, और अब 15 भी ले लिया मैंने, 15 भी यूज़ कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों से। तो एज ए व्लॉगर मैं डेली व्लॉग करता हूँ, मैं बाहर भी शूट करता हूँ, घर में भी शूट करता हूँ, ट्रैवल व्लॉग भी शूट करता हूँ। मेरा क्या ओपिनियन है आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फ़ोन के बारे में। तो बेस्ट फ़ोन तो 15 प्रो ही है, बिकॉज इसमें जो फीचर है, जैसे कैमरा है, मतलब व्लॉगिंग के लिए कह रहा हूँ, यूज़ करने में तो सारे 13 14 15 सब सेम है, आईफोन सारे सेम ही होते हैं, बट कैमरा इसका इतना मस्त है ना, मतलब 4K में जो इसमें नहीं था ना वो इसमें आ चुका है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको अपग्रेड करना है कैमरे की वजह से, इससे अच्छा कैमरा इसका पता नहीं एप्पल वाले क्या करते हैं, इसका कम कर देते हैं या फिर इसका बढ़ा देते हैं, जो भी होगा सिस्टम, बट मुझे तो बाय करना पड़ा बिकॉज मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी भी फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आईफोन होगा तो बेटर होगा, आईफोन 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, मतलब इतने बड़े वाले मत लेना। अभी मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से ना व्लॉगिंग के लिए फ़ोन ही बेस्ट है, बिकॉज फ़ोन से जब ऐसे शूट करते हैं ना, कहीं पब्लिक में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, खुल के कुछ भी शूट कर सकते हैं फ़ोन से, बट कैमरे से हम खुल के कुछ भी शूट नहीं कर सकते। तो मैं भी कैमरे को सिर्फ घर में यूज़ करता हूँ, बाहर मैं भी फ़ोन को यूज़ करता हूँ, जैसे लंदन की ट्रिप हो गई, दुबई की ट्रिप हो गई, या फिर बाहर कहीं पर भी जाता हूँ मैं। गाइस, स्टार्टिंग में हर किसी का ड्रीम होता है कि उसके पास कैमरा, वो कैमरे से फोटो खींचे, कैमरे से व्लॉग बनाए, कैमरे से वीडियो बनाए। तो हाँ, मेरा भी ड्रीम था, तो मैंने ये कैमरा लिया था स्टार्टिंग में व्लॉगिंग करने के लिए। इसका मैंने ये मेरे को मिला था 50-60 हज़ार रुपये का, मैंने इतनी मेहनत से मतलब ड्राइंग बना बना के। उस टाइम पे व्लॉगिंग चैनल पे सिर्फ 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर थे, व्यूज़ भी नहीं आते, 1000-2000 व्यूज़ आते सिर्फ व्लॉगिंग चैनल पे। तो मैंने आर्ट चैनल और ड्राइंग बना बनाई, कमीशन बना के मैंने मेहनत से लिया था, 2-3-4 महीने की मेहनत थी मेरी। अब तो ये पीयूष यूज़ करता है अपनी गेमिंग वीडियोज़ के लिए। तो इस कैमरे से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। इसके बाद लॉकडाउन में जब मेरा व्लॉगिंग चैनल थोड़ा बहुत ग्रो किया, तब मैंने लिया आईफोन 11 और मुझे इतना हैंडी लगा, इतनी अच्छी क्वालिटी लगी, फिर मैंने कैमरा छोड़ ही दिया, फिर मैंने उसी से व्लॉग किया कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद, हल्द्वानी आने के बाद, मैंने ये कैमरा लिया जो कि सोनी का है, A7S3। इसमें माइक भी लगा हुआ है, गोरिल्ला पॉड भी है, वाइड एंगल लेंस भी है, तो ये तो काफ़ी महंगा, अराउंड 5 लाख रुपये का सेटअप है। और फिर भी मैं इसको डेली यूज़ नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज इतना हैवी है और बाहर ले आने में लोग ऐसे देखते हैं ना, भाई कैमरा ले रहा है तो क्या क्या इतना शूट करे, इतना बड़ा सेटअप लेके जब घूमते हैं ना, घर के अंदर शूट कर सकते हैं, बट बाहर ले आने में ना थोड़ा, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई इतना बड़ा कैमरा, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए बाहर मैं फ़ोन से करता हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि फ़ोन से ही करो। इस फ़ोन से मैंने शुरू किया था, सिर्फ 7000 रुपये का फ़ोन था ये, और अब तो चलता भी नहीं है। अगर लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आता, अगर मैं ग्रो ना करता, तो मैं आईफोन ना ले पाता, तो मैं क्या पता अभी तक यही फ़ोन या फिर इससे एक दो फ़ोन अपग्रेड कर पाता, अदरवाइज़ मैं आईफोन ले ही ना पाता। टाइम के साथ में ना सब कुछ चेंज होएगा, बस आप मेहनत करो सच्चे दिल से, आपको अपनी ऑडियंस मिल ही जाएगी, जैसे मुझे मिली है या फिर और भी यूट्यूबर्स को मिली है, आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, बस बनाते रहो। गाइज, अब की बार मैं अपने आईफोन को फुल बचा के रखूंगा, बिकॉज हर बार टूट जाता था, कवर लगा के, स्क्रीन गार्ड लगा के, मैं यूजुअली कवर नहीं लगाता था। गाइज, ये देखो कुनाली की बनियान ऊपर टंगा दी, चला दो गाँव पूरी फैमिली। तो मेरा प्लान था पोर्शे को लेके जाने का, पोर्शे और फॉर्चुनर दोनों ब्लैक ब्लैक गाड़ी को लेके जाने का, लेकिन मम्मी मना कर रही है, मम्मी ले आ रही थी, मम्मी को मनाना है क्योंकि मैं आज तक कभी पहाड़ पे भी ले गया इसको, और गांव में ले आएंगे, अम्मा बाबू को दिखाएंगे, उनको बिठाएंगे। तो मेरा प्लान ये था, गाड़ी अपनी रेडी है गाँव जाने के लिए, पोर्शे और फॉर्चुनर दोनों, ठीक है, पोर्शे भी लेके जाऊंगा, फॉर्चुनर भी, फॉर्चुनर को मैं चलाऊंगी, सब खड्डे खड्डे, आपको चलानी नहीं है बड़े, मैं चला रही हूं उनको, है गलत कह रही हूं क्या? गलत कह रही हूं, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल एक बार सुन, छोका देता है, एक बार सुन, बिल्कुल रोड पे चिपकी हुई गाड़ी है वो, और वहां खड्डे आएंगे, ब्रेकर आएंगे, कैसे निकालेंगे, खड्डे है रास्ते में, कोई दिक्कत शिक्कत हो गई फिर क्या करेंगे, जब कर आप क्या कहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, पोर्शे ले जानी चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ऑफरोडर गाड़ी नहीं है, पहाड़ में ले जाने वाली गाड़ी नहीं है बेटा, वो चाहे तुम कितना भी ले जाओ, ये मैं तो इसके लिए बना, मैंने कहा क्या है ये, दो सीटर तीसरा उसमें आ नहीं सकता है, बड़ी मी को भी चलानी नहीं आती, इसलिए कह रही है ये बड़ी मी बेकार,
बेकार गाड़ी है फॉर्चुनर, ठीक है उसमें हम सारे जाते हैं। बताओ ना क्या करना है। तो जा फिर, मैं तो सारे रास्ते भर मेरा टेंशन ही रहेगी, फिर मैं आती भी नहीं हूँ, तुम जाओ। यार बड़ी मेरे मम्मी को धर्म संकट में डाल रहे हो। मम्मी कह रही है अगर पोर्स ले जाएगा तो मैं आऊंगी नहीं। मम्मी मैं कह रहा हूँ आप सारे खड्डे खुड्डे हैं, कैसे ले जाएगा ये गाड़ी को बताओ तो। अरे यार चलाने वाले वो हैं बड़ी मम्मी, पता है कैसे चलाता है, तुमने देखा नहीं है ना इसको चलाता। अरे मैं अभी बैठ गया हूँ, कितना मस्त चलाते बताओ, 80 से नीचे कुछ है नहीं है यार। पहाड़ में तो भगाने वाली रोड ही नहीं बड़ी मम्मी, उधर देखो कैमरे में देखो चारों आगे बड़ी मम्मी। उन्हें गाड़ी भी ली, गाड़ी भी चलाई। हाँ वो तो सब कुछ कर रहा है, कौन से मेरी मान रहा है ये बात तो। बताओ मम्मी क्या करना है। कि कौन है पागल की तरह क्या बोल रहा होगा। कल जाना है हमको। पर जाना है मैं क्या करूँ फिर। अरे तो बताओ ना इजाजत दो। किस बात की टेंशन, इतने बढ़िया पति मिले थे, झाड़ू लगा रहे हैं। पति तो मिले, बेटे नहीं मिले काम में। क्या कह रहे हो बोल रही है कि पति तो मिले काम के लेकिन बच्चे काम के नहीं मिले। गाइज हमने मम्मी को बहुत मना लिया, मम्मी नहीं मान रही और कल सिर्फ फॉर्च्यूनर लेके जाएंगे, बिकॉज मम्मी मान नहीं रही। मम्मी को टेंशन होगी तो क्या फायदा, इससे बढ़िया नहीं ले जा रहा फॉर्च्यूनर। क्यों नहीं ले जा रहा है, तेरा मन हो रहा था अपनी मन को मत कर ले जा। क्या करे गाँव ले जाए ना, ले जानी है भाई ले जानी है, क्यों नहीं ले जानी है। मम्मी मना कर रही है। अरे मम्मी यार मम्मी को कन्विंस करना है, कन्विंस कर देंगे अभी। लेकिन पार्क कहाँ करेंगे ये सोचना, गांव में पार्क। पार्क जहाँ फॉर्च्यूनर को करते थे। फॉर्च्यूनर चढ़ जाएगी वहाँ पे, चढ़ तो जाएगी फॉर्च्यूनर में, कभी दिक्कत आई। अगर रास्ते में कहीं लग गई गड्ढों में, जहाँ थोड़ी कुछ होगा थोड़ी लग गई तो हल्का सा आराम आराम से ले जाएंगे ना, जहाँ पर गड्ढे होंगे वहाँ पर मैं उतर जाऊंगा, उतर के बता दूंगा आपको। मेन तो पार्किंग नहीं मिलेगी गाँव में, पार्किंग नहीं है गाँव में, थोड़ा एडवेंचर होगा मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ इस बार मत ले जा, अगली बार देख के आना रोड कैसे क्या है, ले जा। हाँ ये कर सकते हैं, एक बार बिल्कुल चेक करो, एक बार घूमे आओ रस्ते में, मान लो कुछ हो गया ना तो फिर ये कहाँ जाना पड़ेगा हमको घर, क्या फायदा, हम तेरे वजह से तो हम घर जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। अब देखो, अब देखो कितना खुश हो गए, अब जीतते खुश हो गए मम्मी, खुश देखो खुश। तुम लोगों की चिंता है फिकर है, मैं तब कहती हूँ, तुम सोचते हो मम्मी वैसे कहती है, मैं वैसे क्यों कहूँगी। तुम जाल समझ गया सारा, आपको यही जाल था कि हमको। चलो भाई इसके ऊपर चलते हैं, एक तो फोन का कवर और गार्ड लेना है, बिकॉज कल गांव भी जाना है ना तो चाहिए भाई, गांव में भी टूट सकता है फोन, टूटेगा तो नहीं ना ये। रेड पकड़ लो, कुनाली आपको अलाउड नहीं है। चलो भाई मैं तो आ गया, कुनाली को अलाउड नहीं है, पीयूष आ गया, तो अभी आधा लैंटर डल गया, अभी उधर लैंटर डलेगा पूरा। हम पता किस पकड़ा, इसके नीचे लकड़ी का सपोर्ट है खाली, एक लड़की एक लड़की एक लकड़ी सरकी है। अरे ये भी आ गया, अरे ये भी आ गया। गाइस देखो यहीं से इतना ऊंचा लग रहा है, अभी तो इससे दो फ्लोर और रहेंगे ऊपर। कुनाली ऊपर आया तो गई, नीचे कैसे जाओगे, यहीं से इसकी झाड़ में फेंक देता, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लेंटर नहीं आएगा। गाइस जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ पे हमारे रूम आएंगे और नीचे मम्मी पापा लोगों के, तो ये खुला रहेगा, मतलब नीचे से मम्मी लोग आवाज़ लगा सकते हैं हमको, ये खुला रहेगा ऐसे, यहीं से नीचे से आवाज़ लगा सकते कोई भी। यहाँ वो वाला मेरा रूम, यहाँ पीछे पीयूष कुनाली साहिल तीनों का रूम। आपको पता है हम ऊपर रहेंगे, हम ऊपर रहेंगे, हम चारों भाई रहेंगे ऊपर, बाकी पूरी फैमिली नीचे, और उसके ऊपर पूरा स्टूडियो, और ये वाला एरिया खाली ताकि नीचे से कोई भी बुला सके हमको, और यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा पूरा बहुत बड़ा। यहाँ पे ऐसी ईंट लगी होगी, यहाँ पे सोफे लगेंगे। पापा जी भी आ गए, मस्त लग रहा ना यहाँ से। और यहाँ से लिफ्ट आएगी, देखो ये लिफ्ट वाला एरिया है, पूरा नीचे तक खाली है ना, देखो काफी गहरा है तो भाई। और ये देखो घर के बगल में पार्क, बीच वाला कुनाली आपका बीच वाला है। अरे नहीं कुनाली, अरे कुनाली आपके फायदा है, अरे लड़ क्यों रहे। चलो भाई चलो 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 चलो, कुनाली नीचे कैसे आएगा अब, आगे 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 आगे। ऐसी जगहों पे भी हम कैमरे से व्लॉग कर सकते हैं, बिकॉज पर्सनल जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है कैमरा यूज करने के, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है ऊपर नीचे जाने में। आजा आजा गोद में आजा, चले फिर अब चलो, बड़े पापा को बैठने दो यार। तो पीयूष और कुनाली उतर गए हैं, बड़े पापा बैठेंगे ना दूसरी बार। गाइस अपने पापा को इस तरह से कार में बिठाने का फील अलग होता है यार। फिलहाल अभी आए यहाँ पे शॉपिंग के लिए, पापा जी और साहिल ले रहे हैं कुछ कपड़े वपड़े यहाँ से, इसके बाद चलते हैं कवर लेने के लिए और गार्ड लेने के लिए। तो अभी हम आ गए कवर लेने के लिए, ब्लू कलर है तो ये अच्छा लगेगा, ये वाला कवर पसंद आया देखो। तो अभी घर पे आ गया हूँ, फोन में गार्ड भी लगा लिया और मस्त वाला कवर भी लगा लिया। अब कल सुबह जाना है हमको गाँव, हम बाबू से मिलने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम गए उनसे मिले ही नहीं भाई, वो यहाँ आते नहीं, उनको वहीं अच्छा लगता है गाँव में, तो वहीं पर जाएंगे उनसे मिलेंगे, पूरी फैमिली जाएंगे। तो हाँ चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं इस दिन इस व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धर्म कलना गाड़ गया चलो ना बिल्कुल बाबा हो।